क्या कोई 180 फिल्में फ्लॉप देने के बाद भी सुपरस्टार बन सकता है? कभी हो सकता है ऐसा? यही हो सकता ना, सोचिए। दोस्तों नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राय, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों कभी कहीं ऐसा, इस बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। बॉलीवुड में जो नहीं, जो कल स्पोर्ट बॉय था, आज का हीरो भी बन सकता है। जो आज का हीरो है, कभी नीचे भी आ सकता है, विलन भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम जो फिल्मों में दिखाते हैं, जैसा दिखाते हैं, वैसा ही इंडस्ट्री में होता है। जो हमारी सोच से परे है, वैसा हो जाता है। कभी ऐसा आपने सोचा होगा कि कौन ऐसा हीरो होगा जिसने 180 फिल्म फ्लॉप दी है, फ्लॉप देने के बाद भी वो सुपरस्टार कहलाता है, आज भी सुपरस्टार कहलाता है और आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। वो कौन हो सकता है, ये सोचिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अनहोनी सब कुछ हो सकता है। इंडस्ट्री है जो दुनिया में नहीं है, वो हम सब कुछ दिखाते हैं। बॉलीवुड में यही होता है। फिल्मों में, हमारी फिल्मों में क्या होता है, जो गरीब आदमी है वो देखेगा, बड़ी बड़ी बातें देखेगा। जो नहीं हो सकता है, वो सब कुछ होते हुए दिखता है। तो दोस्तों यही है, 180 फिल्म देने के बाद भी अगर कोई सुपरस्टार कहलाता है तो वो कोई कौन होगा, सोच लीजिए। और वो, उसकी बात मैं आज करूँगा, और वो, उसको नेशनल अवार्ड भी 3 बार मिल चुके हैं। उसकी पहली फिल्म से ही मिल चुका था उसको नेशनल अवार्ड, और उस फिल्म में उसने एक भी डायलॉग नहीं बोले थे। दोस्तों ये कौन हो सकता है, सोचिए। मिलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सोचिए सोचिए। दोस्तों शायद आपको मालूम पड़ गया होगा, या तो नहीं भी मालूम पड़ा होगा, लेकिन मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। जैसे कि वो, उसकी एक पहली फिल्म थी ब्रिगिया। ब्रिगिया में उसने डायलॉग, जरा एक भी डायलॉग नहीं बोले थे, सिर्फ आंखों से, एक्सप्रेशन से उसने जो काम किया था, और उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। उसके बाद 3 बार उसको और नेशनल अवार्ड मिले थे। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो थे मिथुन चक्रवर्ती। आज भी फिल्मों में है, आज भी काम करते हैं, और फिल्मों में बहुत अच्छा काम करते हैं और सुपरस्टार कहलाते हैं। उनकी बैंगलोर में, और उनके खुद का होटल भी है, होटल बिजनेस भी है, वहाँ पे शूट भी करते हैं, वो शूट पे लिए भी देते हैं। और कुछ भी नहीं होते हुए, जीरो से, ना कोई गॉडफादर, ना कोई कुछ भी ना होते हुए, उसने ये फिल्म लाइन में, बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम कमाया। डिस्को डांसर जैसी फिल्म, पहली हिंदी फिल्म थी जो वर्ल्ड वाइल्ड में से उसको 100 करोड़ फर्स्ट टाइम मिला था, डिस्को डांसर। दोस्तों उसके बाद तो सुपरस्टार हो गए। उससे पहले वो 180 फिल्में फ्लॉप दे चुके थे। इतनी फिल्में फ्लॉप देने के बाद भी इंडस्ट्री में रहना, कंटिन्यू रहना, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो बहुत सी फिल्में उन्होंने की, उस्ताद ये, और बहुत कुछ, प्यार झुकता नहीं, वो भी एक फिल्म बहुत अच्छी थी उनकी। तो दोस्तों ये होता है, आदमी को काम करते रहना चाहिए, जो काम मिले, सीग्रेड की फिल्में मिले वो भी करते रहना चाहिए, पब्लिक की नज़र में रहना चाहिए। यहाँ तो जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों ऐसा ही इनके मामले में भी हुआ। बहुत सी फिल्मों उन्होंने सीग्रेड की फिल्में भी की, बहुत सी स्टंट फिल्में भी की, बहुत कुछ किया। प्यार झुकता नहीं जैसी बहुत खूबसूरत फिल्म भी की, और डिस्को डांसर जैसी ब्यूटीफुल डांस की फिल्म भी की। वो पहली फिल्म थी बॉलीवुड की जो वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ कमाए थे। दोस्तों यही होता है, मेहनत करते जाओ, लगन है, मेहनत होनी चाहिए, काम करते जाओ। बाद में तो सब प्रेक्षक पे है, वो आपको कहाँ चढ़ाते, कहाँ उतार देते। आज भी वो फिल्मों में काम करते हैं। तो दोस्तों यही कुछ कहानी थी उनके बारे में। वो थे मिथुन चक्रवर्ती। उनको, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। उन्होंने जो काम किया है हम लोगों के लिए, एक प्रोत्साहन रूप है, एक माइलस्टोन है। दोस्तों ऐसे ही कुछ बातें लेके आऊँगा। नमस्कार, अगर आपको कुछ मेरे बात से कुछ सुनना हो, या तो कोई भी सब विषय पे कुछ जानना हो, तो मुझे ज़रूर लिखिए। और अगर आप नए हो तो मेरे ये लोगों पे सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
आई लव यू फ्रेंड्स।